अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपको यानी 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये सब्जेक्ट बायोलॉजी है और हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कल हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ क्या है, आज हमने पढ़ना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी हम वाइल्ड लाइफ जो हमारे लिए बहुत ही अहम है इसको हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, यानी वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना का मैनेजमेंट, यानी इसका नज्म नस्क चलाना, इसका खास ख्याल रखना इन ऑर्डर टू सेव देम, ताकि ये फ्लोरा भी और फाना भी, यानी प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, हम ये इनको हम महफूज कर सकेंगे ये फ्रॉम देयर एक्सटिंक्शन, इनको मतलब खत्म होने से बचाएंगे, एक्सटिंक्ट होने से बचाएंगे, एंड इनको महफूज रखने के लिए, ताकि इनसे हम फायदा हासिल कर सकेंगे फॉर बोथ, यानी दोनों प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन के लिए, इन्हें आने वाली नस्ल के लिए भी और जो मौजूदा नस्ल है इनके लिए भी, यानी दोनों जनरेशन को फायदा पहुंचाने के लिए इसका हम खास ख्याल रखेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसी को कहते हैं। तो सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटियरली आर, यानी गवर्नमेंट ने भी कुछ तंजीमें बनाई हैं और वॉलंटियरली भी लोगों ने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं इस पूरे मामले को सुधारने के लिए, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए। दे हैव बीन सेट अप को कायम किया गया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो मैं दीज ऑर्गेनाइजेशन एम एड और इन तमाम तंजीमों का जो मुद्दा और मकसद है वो है इस तरह, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, इन हैवानात जो हैं जंगलों में जो पाए जाते हैं, इनकी जो हैबिटेट है इन्हें महफूज रहने की जगह, इसकी प्रोटेक्शन हो जाए। नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ गार्डिंग, फीडिंग, रेस्टिंग, ब्रीडिंग एंड नर्सिंग हैबिटेट्स ऑफ ईच स्पीशीज, यानी जो इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या प्लांट्स के जो नेचुरल हैबिटेट्स है, एनिमल्स या प्लांट्स के, इनके लिए प्रोटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड, यानी उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है जिन जगहों पे इनको पूरी हिफाजत के साथ फीडिंग यानी खाना खिलाना, रेस्टिंग, ब्रीडिंग एंड नर्सिंग, यानी ये तमाम एक्टिविटीज वो वहाँ बिल्कुल महफूज अंदाज महफूज तरह से कर सकें। तो इस तरह हम इनको नेचुरल हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और हर एक स्पीशीज की भी। नंबर टू, मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन प्रोटेक्टेड एरियाज, इन्हें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्टेड एरियाज में महफूज रखना, कायम रखना। द वाइल्ड एनिमल्स आर अलाउड टू ग्रो इन नंबर इन नेचुरल हैबिटेट इन प्रोटेक्टेड एरियाज, दिस इज डन बाय कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ इन, यानी इसका मतलब है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं इनको हम बढ़ने देंगे, इनकी तादाद को हम बढ़ाएंगे इन नेचुरल हैबिटेट, कुदरती पनागाहों में इन प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन वो भी खास रखवाली के तहत। और इसको हम किस तरह कर सकते हैं, हम इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, नंबर वन बायोस्फीयर रिजर्व में, नंबर टू नेशनल पार्क्स में, नंबर थ्री सेंचुरी में। पहले हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में किस तरह हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाइल्ड लाइफ, यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वो एरियाज है
जहां पर मल्टीपर्पज यानी यहां पर एक ही काम नहीं किया जाता बल्कि इस एरिया की मल्टीपर्पज ये एक्टिविटीज है, पर्पजेज है, बहुत सारे मकासिद हैं इन एरियाज के, इन प्रोटेक्टेड एरियाज के, ताकि हम वाइल्ड लाइफ के जो नुमाइंदगी है उसको बढ़ा सकेंगे। तो नेशनल पार्क्स का क्या मतलब है, ये भी वो एरियाज हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, मेंटेनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट कायम करती है वायर जहां पर इन पार्क में कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग एंड अदर एक्टिविटीज को बिल्कुल मना किया गया है। तो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो सेंचुरीज बनाती है, दीज आर प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, ये भी कुदरती पना गाय है जहां पर स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और हंटिंग वहां बिल्कुल ही बैनड है, अलाउड नहीं है, सेंचुरीज को मेंटेन करती है सिटी गवर्नमेंट। तो इस तरह ये प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स के मुतलिक मैंने बताया, और उसके बाद सबसे अहम वो है कानूनी हिफाजत यानी प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन यानी कानून के जरिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना। वाइल्ड लाइफ इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट यानी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं और यूनियन गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, ताकि इस वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्शन दे सकेंगे, ये इनको कानूनी हिफाजत देती है गवर्नमेंट। तो इस तरह मेरे बच्चों आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हम वाइल्ड लाइफ को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने ये पूरा टॉपिक समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मेहरबानी करके, मैं स्कूल पर भी कभी कभार आता हूँ जब हमारे जो बड़े ऑफिसर से वो बुलाते हैं तो हम वहाँ भी आते हैं, वहाँ कम्युनिटी क्लासेस देते हैं, वहाँ भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, फोन पर भी पूछ सकते हैं, और जिस तरह आप क्वेश्चन करोगे तो मैं हर तरह आपका जवाब देने के लिए बिल्कुल हर वक्त रेडी हूँ। लेकिन आप मेहरबानी करके घर पे अपनी किताबों को मतलब गो थ्रू योर बुक्स, ताकि आप किसी मकसद को हासिल कर सकेंगे। बाकी